दहिसर के गणपत पाटिल नगर स्थित के कई घरों को आज बीएमसी तोड़क कार्रवाई की, जहां महिला दबंग शशिकला पांडे काफी चर्चित नाम है, जिनके बारे में वहां के लोगों का क्या कहना है वहां की जनता खुद आपको बताएगी। वहाँ भी ऐसे टूटता था, आज की यहाँ का बिल्डिंग में गया सब, क्योंकि वहाँ के सब मजबूत थे, यहाँ के जो जनता है वो मजबूत नहीं है, समझे। एक अच्छी है तो 10 खराब है उसमें। अभी किसी का शादी होता है उसमें मदद करती है, किसका तबियत खराब हुआ उसमें मदद करती है, वो मर्डर कर रही है, हाँ किसी से 3-4 लाख ले रही है। उन्हीं को रहते तो तोड़ने नहीं दे रहे थे, इसके लिए जबरदस्ती पुलिस लेके गई, समझे। इसके जाने के बाद में उधर से बुलडोजर आ उनके रहते हुए नहीं चुका है। लोगों का कहना है कि अगर वहां पर शशिकला पांडे की बात नहीं तो यहां कुछ भी हो सकता है। यहां अगर किसी को घर बनवाना है तो आपको श्रीमती पांडे की परमिशन जरूरी है, नहीं तो आपका घर तोड़ दिया जाएगा। लेकिन हैरत की बात यह है कि आज शशिकला की तोड़क कार्रवाई की गई, शशिकला चाह के भी तोड़ नहीं पाई और उनकी हालत ऐसी हो गई कि खिसियानी बिल्ली और खम्बा नोचे। मैं घर बना रही थी, मेरा घर हाइट नीचे था और मम्मी के पास मेरे बच्चे का हाथ गया था, इसकी वजह से मैंने हाइट लिया। और जब मैं अभी मचाने लगा तभी से जिला पहले बोली तुम बना के देखो, मैं उसे बताते हैं तुम्हें। और फिर उसके बाद में सीनियर को भी तुमने भेजा सर्वे करने के, इसके रूम टूटना चाहिए। मैं चौकी में गई तो यही बात है कि सर जी कहा तुम्हारी क्या दुश्मनी, बोली मेरी ऐसी कोई दुश्मनी नहीं है, पता नहीं उनकी क्या दुश्मनी, हमें नहीं मालूम है, कुछ भी नहीं बोले। कोई नोटिस नहीं दिया गया, मैं आपके सलाम से नहीं, हमारे घर में उनसे दो तीन से तुम वहाँ पर रहो, बनाने के चक्कर में कुछ बोला भी नहीं, टाइम भी नहीं दिया कि तुम उतारो क्या करो, इसी बार आ रहे तुम्हारे घर पे हाथ लगा गए। लेकिन श्रीमती पांडे की तरफ से आरोप लगाया जा चुका है कि ये सब झूठ है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर सच कौन बोल रहा है। इन सब बातों का जवाब सिर्फ पुलिस और महानगर पालिका दे सकती है, जिसके कहने पर ये कार्रवाई हो गई है।